का मेकअप करूं? आओ मेरी जान, आओ आओ मेरे पास आओ, बैठो। मैं तो नानो हूँ, नानो मेकअप नहीं करती। प्लीज प्लीज नानो। अच्छा चलो कर दो। नानो नानो, आपके होंठों पे ये रेड लिपस्टिक बहुत प्यारी लगेगी। सुर्खी, तुझे मैंने कितनी मर्तबा कहा है कुंवारी लड़कियां सुर्खियां नहीं लगाया करती। एक मर्तबा रुखसती होने दे, उसके बाद जितनी मर्जी सुर्खियां लगा लेना। भाई तेरी समझ में बात? क्यों डांटती रहती हो बेचारी को? एक ही तो बेटी है हमारी। ना, आपको क्या लगता है मुझे उससे मोहब्बत नहीं है? यार ये कैसी मोहब्बत है? आपको 10 साल हो गए हैं चार पाई से लगे हुए। घर से बाहर मैं निकलती हूँ, जमाने के रंग देखती हूँ। बिना वजह एक तोहमत औरत की जिंदगी को तबाह कर देता है। फिर भी प्यार से बात कर लिया करो, चंद दिन की तो मेहमान है बेचारी इस घर में। अच्छा टेंशन ना लें अब आप, नहीं डांटूंगी मैं आपकी लाडली को। अच्छी बात है। अच्छा मैं उज्मा के घर से जरा सामान ले आऊं। कौन सा सामान? जीनत के लिए कुछ सामान मंगवाया था, उसका बेटा होलसेल की मार्केट में काम करता है और मुझे कह रहा था कि खाला 2 सूट में 4 सूट आपको वहां से फ्री मिल जाएंगे। ये तो अच्छी बात है। बस मैं जाती हूँ, आती हूँ फिर। गया तो हुआ है हमें, देखो क्या गुल खिला कर आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गया। हाँ भाई। लो जी, हॉल की बुकिंग नहीं हो सकी। मैंने तो पहले ही कहा था महीना पहले बुकिंग करा लें, शादियों का सीजन है। किसी ने सही कहा है, औरत की अकल उसकी चुटिया में बंधी होती है। ना भाई, उसने कौन सी बेअकली वाली बात की? बहू ने। माँ जी, माजिद के ससुर ने भी तो 10 दिन पहले शादी की तारीख दी, और आपके ये जो लाडले साहब हैं 2 दिन पहले दुबई से वापस आए हैं। मैं 1 महीना पहले जाकर शादी हॉल की बुकिंग किसके लिए करवाता? अपनी शादी के लिए और किस लिए? लेकिन मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। देखिए भाई, मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है ना। मगर तुम्हें ऐसा मशवरा देने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। एक्सक्यूज मी, वो क्यों? क्योंकि मेरे पाँव में जो जूता है वो बड़ी जोर का लगता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। और जाके बचाओ उसको। अच्छा ये बताएं अब आगे करना क्या है? करना क्या है जो सब करते हैं, गली में टेंट लगाएंगे, वलीमा भुगता लेंगे, मेहंदी वैसे ही छत पर है। माँ जी हॉल का मसला नहीं है, कोरोना का मसला है। अब क्या मसला है, कोरोना तो खत्म हो गया। सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव आ गई है। मतलब टेंट भी नहीं लगा सकते? और ना ही रिश्तेदारों का कोई हजूम इकट्ठा कर सकते हैं। निकाह और वलीमा सादगी के साथ करना होगा, बहुत सख्त किस्म का लॉकडाउन लगा हुआ है। हाय, इस मरण जोगे वायरस को भी अभी आना था जब मेरे लाडले की शादी है। चलें छोड़ें इन बातों को, जो बाकी काम है वो तो खत्म करते हैं ना। तुम एक काम करो, जाके सबा को मेरे पास भेजो। जी हाँ। माजे, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। अम्मा वो दुबई से कफील का फोन आया था। अब क्या हुआ उसे, परसों ही तो आए हो तुम। दरअसल मैंने आप सब लोगों से एक बात छुपाई थी।
क्या? कफील मुझे छुट्टी नहीं दे रहा था, अमादा नहीं हो रहा था छुट्टी देने पर, मैं जबरदस्ती छुट्टी लेकर आ गया। हाय माजिद, ये क्या किया तूने? तुझे नहीं पता तेरा वीजा पहले बड़ी मुश्किल से लगा था? अम्मा मुझे पता है, सब पता है। अब क्या कह रहा वो मुआ कफील? वो कह रहा है कि एक हफ्ते तक अगर तू ना पहुंचा तो फिर वहीं रहना जहां रहता रहे। ना ना ना, उसके खिलाफ ना जाना मेरा बेटा। तू एक काम कर, तू ना फटाफट अपनी रुखसती करवा और ना वापस आ। हाँ चुप, मैं ना हमिद से कहती हूँ, तेरे ससुराल वालों ने, मैं खुद करती हूँ उनको फोन, मैं खुद फोन करती हूँ और उनसे बात करती हूँ, हम कल ही तेरी बारात लेके जाएंगे। अम्मा ये क्या क्या? चुप, टिकट का बंदोबस्त कर, मैं जाकर तेरे ससुराल वालों से बात करती हूँ, परेशान नहीं होना। ठीक जी? ठीक। अल्लाह का शुक्र है जीनत के अब्बा, जो गरीबी धागे का था बना लिया। हाँ भाई, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ तेरा भी शुक्रगुजार हूँ कि तूने बड़ी मेहनत और इज्जत व आबरू से जीनत की रुखसती का इंतजाम भी कर दिया। जीनत के अब्बा, मुझे क्यों गुनाहगार करते हैं आप? नहीं भाई, जो सच है वो तो सच ही है। हाँ जीनत के अब्बा, मुझे याद आया, वो रात को शायस्ता बहन का फोन आया था। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि हमें रुखसती जल्दी दे दो। आखिर कोई वजह तो होगी। मेरा ख्याल में वो माजिद दुबई जल्दी जाना चाहता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ भाई, बंदा काम करता ही अच्छा लगता है, काम से ही सारी बहारें। अच्छा जीनत के अब्बा, मैं जरा हम साईयों को बोल के आऊँ। हाँ हाँ, हो आओ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र। अरे बहन, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि मेहंदी के साथ निकाह और रुखसती। अजीब ही बात है। बेटी वालों के 100 मसले होते हैं शहनाज, तुम ऐसे मौके पे खुशियों के रंग में भंग क्यों डालती हो? भला मैं रंग में भंग क्यों डालने लगी? मैंने तो बस ऐसी बात ही की थी। ऐसी बातों से बेहतर है तुम ऐसी बात मत ही किया करो। मैं रिक्शा मंगाने लगी हूँ। किस लिए? मैं आपका अस्पताल ले जाऊंगी। मुझे छोड़, मेरा वक्त आ पहुंचा है। तू जा, लड़के वालों के पास जा, जा। जीनत बेगम, मुझे मौत की नवी मिल चुकी है। तुझे खुदा का वास्ता है, मेरा जनाजा उठने से पहले मेरी बेटी की डोली उठाना। बस यही मेरी आखिरी आरज़ू है। जीनत के अब्बा, खुदा के वास्ते ऐसी जीनत के अब्बा, जीनत के अब्बा। विदाई पे नहीं, तेरे अब्बा के इंतकाल पे रो रही है। Thank you.
अगर जाहिद अंकल की यही ख्वाहिश थी तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्यों अम्मी? बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, ये तो दुनिया की रीत है, जो इंसान आया है एक ना एक दिन उसे वापस तो जाना है, तो क्यों ना इस नेकी के काम में रुकावट बने। मगर मैं अपने बाप की मैयत को छोड़कर कैसे रुखसत हो सकती हूँ? बाप की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम कर बेटी, मैं तेरे बाप को तेरे बाप की मैयत अकेले रुखसत कर दूंगी। अरे आप ऐसा मत कहें, हम अंकल की वसीयत के मुताबिक जीनत को साथ ले जाते हैं और फिर वापस लौट आएंगे, और अंकल की तदफीन की जितने मामलात हैं वो हम सब खुद तय कर लेंगे अपने हाथों से। आप कुछ दिन बाद चले जाते, देखो जीनत, मैं जानता हूँ जाहिद अंकल की मौत का जख्म अभी तक भरा नहीं है, लेकिन मेरा फौरन जाना बहुत ज़रूरी है। ये कफील लोग ना दिल के बड़े काले होते हैं, और अगर किसी से बैर ले रहे ना तो उसकी ज़िंदगी तबाह करके रख देते हैं। आपकी बातें सुनकर तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं जल्द लौट आऊँगा, और हाँ, तुम मम्मी की तरफ चक्कर लगाती रहना, उनको कभी तन्हाई का एहसास मत होने देना। भला एक तन्हाई का मारा दूसरे तन्हा को क्या सहारा देगा? माजिद, टैक्सी आ गई, आ जा। आ रहा हूं। अच्छा मैं अब चलता हूं, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना और जाके फोन करना मुझे। आप भी अपना ख्याल रखना ना। हाँ, दवाई टाइम पे खाते। अल्लाह तेरा हाफिज। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। शुक्र है जीना, तूने यहाँ आने की भी जहमत की, वरना मुझे तो लगा था तू तो यहाँ का रास्ता ही भूल गई है। ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट शिकवे। तेरी शक्ल देखे ना मेरा दिल कर रहा है कि सिर्फ शिकवे ना करूँ, तेरी कुट भी लगा दूँ। वो क्यों? अरे तू तो कहीं से भी नई नवेली दुल्हन तो लग ही नहीं रही। जितने दिन की सुहागन हूँ उतने दिन की यतीम भी हूँ। बस कर दे जीनत, खाला आप ही इस बेवकूफ को कुछ समझाइए। बेटा मैं क्या समझाऊं इसे, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। तेरी तो बचपन की दोस्त है ना, तू इसे क्यों नहीं समझाती? आप लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया। अरे तू सजे सवरेगी नहीं तो अपने पिया के दिल में कैसे घर करेगी? मेरे पिया तो शादी के 4 दिन बाद ही दुबई चले। कोई इतनी प्यारी दुल्हन को छोड़ के कैसे जा सकता है भला? मुझे लगता है हामिद भाई आ गए। अच्छा हामिद भाई आ गए, मैं चलती हूँ। अरे रुको, बल्कि तू सुर्खी लगा ले। अरे क्या पागल हो गई है? चुप बस। सलाम।
सबा जी, वो खाना गरम कर लो, हामिद जीनत को लेके आता ही होगा। तो वो महारानी माँ के घर से भूखी आएगी क्या? वो तो आएगी, साथ में तुम्हारा शौहर भी आएगा, वो नहीं खाना खाएगा? मैं और हामिद आज बाहर खाना खाएंगे। ओ ये सोग वोग तो मैं ढकोसले हैं, कैसे क्या मुर्दार बनी पड़ी रहती है और माँ की तरफ जाते ही होंठ रख लिए। हाँ, मैंने तो गौर ही नहीं किया। खैर, खसमानु खावे, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मेरी चाय भिजवा देना। जी। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? आप तो रहने दें, मेरी छोटी सी गलती भी आपको पहाड़ लगती है। और वो जिसने बाप की चेहलम से पहली होंठ रंग लिए, वो आपको छोटी सी बात लग रही है? सोग और इद्दत सिर्फ बीवी के लिए होती है, वैसे हमारे शरिया में 3 दिन के सोग का कहा गया है। मैंने तो अब्बा की मौत के बाद ईद तक नहीं मनाई थी। वो तुम्हारी अपनी मर्जी थी। मर्जी? मर्जी नहीं, मोहब्बत, बाप से मोहब्बत थी मेरी। चलें, अब चलते हैं, क्या रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे तो चलेंगे? क्या मतलब, आज फिर बाहर खाना खाना है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रोजाना ही बाहर से खाना खाते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन जाना रोजाना ही हो जाता है। बस खाना तो हम बाहर ही खाएंगे, मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ, आप आ जाए। जीनत, तुम ये हाथ से कपड़े क्यों धो रही हो? क्योंकि वॉशिंग मशीन खराब है। जो जरूरी कपड़े हैं वो आज धो लो, बाकी मशीन आने पर। सभी जरूरी हैं। अगर इतने ही जरूरी हैं, तो तुम्हें उसकी हेल्प करानी चाहिए। हामिद, तुम औरतों के मामलात में क्यों दखलंदाजी दे रहे हो? हमीद, मैं तो बस वैसे ही। बस, तुम बाहर से आए हो ना, थके हुए हो, जाओ अंदर, मैं खुद ही संभाल लूं। जाओ। जी। ए लड़की, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तुमने खाना भी बनाना है। जी। काम में ध्यान लगाएगी तो मरे हुए बाप को भूलेगी ना, और वैसे भी
खाली बैठे रहने से सिर्फ उदासियों में ही इजाफा होता है। जी सबा जी, तू चल मेरे साथ, मुझे टीवी लगा के दे, आ जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने दिनों बाद फोन किया, खैरियत से तो है ना आप? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? और बाबा जान का चालीसवां हो गया? जी हाँ। अम्मी बता रही थी कि तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर मैं हामिद भाई के नंबर पे वीडियो कॉल करता हूँ, मेरी कॉल रिसीव करो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना। लेकिन हामिद भाई तो घर से बाहर है। घर से बाहर है? अच्छा चलो, जब घर आ जाए तो फिर मुझे वीडियो कॉल खुद से करना। जी जरूर, ठीक है। और हाँ, मुझे किसी उदास लड़की को नहीं देखना, अपनी खूबसूरत दुल्हन को देखना। जी अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? ये महारानी पिछले दो घंटों से क्या कर रही है कुछ पता ही नहीं। हाय पता नहीं कहाँ मसरूफ है। पता है मेरा इस टाइम ना चाय पीने का बड़ा दिल कर रहा है। दिल तो मेरा भी बड़ा कर रहा है, और कमबख्त मारी बनाती भी तो गजब की है। तो उठना जा, देख कर क्या रही है ये। जीनत, वो तुझ में कोई जिनविन तो नहीं आ गया? लो जी आ गई मीसनी बिल्ली थैले से बाहर। क्या हुआ है तुम्हें, इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं अम्मी, मैं तो जेठ जी को देखने आई थी। हाय अल्लाह, वही हुआ जिसका डर था। हामिद इसको दो बार इसकी माँ से मिलवाने क्या ले गया, लगी मेरे शोहर पर डोरे डालने। भाभी ये आप क्या कह रही है? सही कह रही है वो, तुझे तेरी माँ ने कोई तमीज नहीं सिखाई। लेकिन अम्मी जान मैं तो बस कर, शरीफ घरानों की औरतें सिर्फ अपने खावन के लिए बनाओ सिंगार करती हैं। जब दफा हो जाके मुंह धो, दो मन का जो ना मेकअप थोपा हुआ मुंह पे, दफा हो मेरी नजरों से। मैं तो कहती हूँ निकाल ले इस गंद को यहाँ से बाहर, वरना ये नागिन मेरे सुहाग को डस लेगी। माँ जी क्या हो हामिद, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? माँ जी वो कामरान का फोन आया था दुबई से। हामिद मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जल्दी से बताओ सब खैरियत तो है ना? दुबई में माजिद और उसके कफील का झगड़ा हो गया है।
और उसके हाथ से उसका कफील कत्ल हो गया। क्या? माजिद कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसको वहां की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हाय मेरे खुदा, मेरा बच्चा, ये सब इस कलमोही के कर्म, मेरे बच्चे को खा गई। मार दो मेरे बच्चे को, बचा हामिद। डॉक्टर, अब कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, परेशानी की नहीं, खुशी की बात है। इनके लिए तो खुशी ही की बात है। क्या मतलब? आप छोड़ें, अब बताइए क्या हुआ? जीनत उम्मीद से है, थोड़ी वीकनेस है, बस इनके खाने पीने और आराम का ख्याल रखना होगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ। डॉक्टर, वो हम कर लेंगे, जाओ आप, जाओ। एज यू विश। एज यू विश, बेटी तू साढ़े तो बाढ़। मैं तो कहती हूँ निकालें इस मनहूस को घर से बाहर। ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस दिन रखने थे उस दिन मेरे बेटे को दुबई से कॉल आ गई, शादी करने गए तो बाप को खा गई। अब इसकी मनहूस औलाद की खबर आई है तो मेरा बेटा जेल चला गया। मैं तो इस कर्मजली को घर में नहीं रखने वाली, निकालें इसको बाहर। अब मुझे खुद भी यहां नहीं रहना। मगर जीनत, तुम आप चलिए अंदर, छोड़ें आप इस बात को। दुनिया के बेरंग कितने अजीब हैं। पहले माँ जीनत को सुर्खी नहीं लगाने देती थी, और जब ससुराल जाके उसने अपने होंठ रंगे तो ससुराल वालों ने इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। बस लगता है हमारी सहेली की किस्मत ही ख़राब है। सूहा जोड़ा जिस दिन पहना उस दिन बाप चल बसा, फिर सूहा जोड़ा पहना तो माँ भी चल बसी। जितना भी अफसोस कर लें उतना ही कम है, अकेली रह गई है हमारी जीनत। पहले बाप मर गया, फिर माँ चली गई, और शौहर वो तो वैसे ही दुबई में कैद है। पता नहीं कैसे जिंदगी गुजारेगी जीनत, पहाड़ जैसी जिंदगी है। आखिर तुम्हारी दुआएं मुझे मौत के मुंह से निकाल ली। उस्मान, ये तुम्हारे अब्बा हैं।
मेरी मुझे किसी उदास लड़की को नहीं देखना। उदास लड़की को नहीं देखना। अपनी खूबसूरत दुल्हन को देखना। दुल्हन को देखना। मुझे किसी उदास लड़की को नहीं देखना। उदास लड़की को नहीं देखना। अपनी खूबसूरत दुल्हन को देखना। दुल्हन को देखना। मुझे किसी उदास लड़की को नहीं देखना। उदास लड़की को नहीं देखना। अपनी खूबसूरत दुल्हन को देखना। दुल्हन को देखना। क्या हुआ? ऐसे क्यों हंस रहे हो? बस एक मुहावरा याद आ गया मुझे, घोड़ी घोड़ी लाल लगाम, खुदा का वास्ता है जीनत। कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करो, जाओ जाओ जाकर अपनी सुर्खी साफ कर कराओ। ये तुम्हारी कोई उम्र है सुर्खी लगाने की? हाँ, तुम्हारी मारे मेरे पीछे क्या तरबियत की है तुम्हारी? चलो फौरन से पहले ये सुर्खी उतारो अपने होंठों से। नहीं नहीं उतारेगी, यही तो उम्र है हंसने खेलने की, रंग बिरंगे लिबास पहनने की, सुर्खी से होंठ तर करने की। तुम लोग क्यों मासूमों से उनकी खुशियां छीनकर उनको कैदी बनाना चाहते हो? क्यों, आखिर क्यों? जीनत, जीनत जी, जी तुम क्या बुद्धमनी खड़ी हो? आगे बढ़ो और इसकी सुर्खी उतारो। मत रो, मत रो मेरी जान, मत रो। यही रीत है, गरीब घर की कमारी लड़कियां सुर्खी नहीं लगा सकती, उनको कोई हक नहीं है। सबर करो, चुप कर जाओ, कर जाओ, चुप कर जाओ। नानू नानू, मैंने कहा था ना आपको रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी लगेगी।
दुबई में माजिद और उसके कफील का झगड़ा हो गया। तूने बड़ी मेहनत और इज्जत और आबरू से जीनत की रुखसती का इंतजाम भी कर दिया। भला एक तन्हाई का मारा दूसरे तन्हा को क्या सहारा देगा? काम में ध्यान लगाएगी तो मरे हुए बाप को भूलेगी ना। जिसने बाप की चेहलम से पहली होंठ रंग लिए वो आपको छोटी सी बात लग रही है। मगर मैं अपने बाप की मैयत को छोड़कर कैसे रुखसत हो सकती हूँ? शरीफ घरानों की औरतें सिर्फ अपने खामन के लिए बनाव सिंगार करती हैं।